Hey guys, welcome back to the channel. और आज के इस वीडियो में जो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जो गाड़ी की डिलीवरी आपने देखा, हमने अपने इग्निस गाड़ी बुक की थी, उसकी डिलीवरी ली. और डिलीवरी से पहले जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो इम्पॉर्टेंट रोल है, वो हम आपको शेयर किया था कि PDI जो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन है, वो हमें गाड़ी का ज़रूर करना चाहिए. सो दैट हमें ये पता रहना चाहिए कि गाड़ी में कहीं कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक उसके इलेक्ट्रिक पार्ट्स में बॉडी पर कोई स्क्रैच, बड़ा डेंट या इलेक्ट्रिक कोई पार्ट जो वर्क नहीं कर रहा है, ऐसी किसी तरह की कोई भी टायर्स जो है गाड़ी के, हमारी बॉडी के अंदर जो इंटीरियर है, अंदर का सीट्स हैं या बैक साइड प्रोफाइल, बैक प्रोफाइल है, ये सभी चीज़ों का हमें एक इंस्पेक्शन करना चाहिए कि लाइक सभी चीज़ें वर्किंग हैं और गाड़ी हमारी मतलब अच्छी कंडीशन में है. क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन गाड़ी का हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद आप गाड़ी चेंज नहीं कर सकते. अगर गाड़ी के अंदर कोई आपको किसी तरह की कोई कमी लगती है, आप इंस्पेक्शन करते हैं, कहीं पर कोई डेंट मिलता है, कहीं स्क्रैचेस मिलते हैं, कोई गाड़ी का वर्किंग ठीक नहीं है, स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसी तरह की कोई बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से किसी भी पार्ट पर अगर कोई पॉइंट पर आपको कमी लगती है, तो आप गाड़ी को चेंज करवा सकते हैं बिफोर रजिस्ट्रेशन. अगर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो फिर वो गाड़ी चेंज नहीं होती है. तो चलिए इंस्पेक्शन स्टार्ट करते हैं, PDI स्टार्ट करते हैं. और सबसे पहले पूरी बॉडी को चेक करते हैं कि बॉडी में कहीं पर कोई डेंट तो नहीं है. तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, इस तरीके से यहाँ नीचे बैठकर बम्पर जो फ्रंट है, यहाँ पर एक कुछ दिख रहा था, लेकिन वो कुछ लाइक डस्ट माइट्स है. फ्रंट बम्पर क्लियरली देख लिया मैंने. और बोनट की बात करते हैं, तो बोनट पर भी एज सच किसी तरीके का कोई यहाँ पर डेंट नहीं है. बात करेंगे साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल देखते हैं. साइड प्रोफाइल में फेंडर पर भी क्लियर है, साइड प्रोफाइल क्लियर है. यहाँ पर कुछ क्या है, नहीं ये भी डस्ट है. हाँ, तो हमारी को ड्राइवर साइड की जो साइड प्रोफाइल है, वो बिल्कुल ओके है, क्लीन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का कोई स्क्रैच, मेजर स्क्रैच इस टाइप का कहीं कुछ नहीं मिला. बात करते हैं बैक प्रोफाइल की, तो बैक प्रोफाइल की बात करते हैं. बैक प्रोफाइल पर भी हमें बॉडी पर कुछ नहीं मिला इस तरीके का, जो हमें जिसके ऊपर एतराज़ उठाना चाहिए कि गाड़ी में ये प्रॉब्लम है. हाँ, बैक प्रोफाइल की भी बात करूँ तो यहाँ पर देखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अब हमें खोलकर देखना है बूट स्पेस को. बूट स्पेस हमें ओपन करना है, वहाँ देखना है हमें ये कुछ हमारे जो जैक है, हमारा जो पाना है, ये सब मेडिकल किट है, इसमें ये मेडिकल किट है, पाना है, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए गाड़ी के अंदर. और हमें ये भी चेक करना चाहिए कि गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा जो टायर है, वो कंपनी ने दिया हुआ है, वो भी आपको यहाँ चेक करना है प्रॉपर. और यहाँ पर आपको टायर देखने को मिलता है, तो बूट स्पेस की भी बात हो गई यहाँ पर. और इस तरीके से हमने चेक कर लिया बैक प्रोफाइल को भी. ड्राइवर साइड की प्रोफाइल चेक कर लेते हैं साइड की, सो दैट ये क्लियर हो जाएगा कि बॉडी पे किसी तरह की कोई मार्क, कोई निशान या कोई डेंट नहीं है. सो गाइस, ये भी एक हो गया कम्प्लीटली कि यहाँ पर भी देखने में हमें कोई डेंट नहीं मिला. एक गाइस इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ, वो ये है कि जब आप गाड़ी लेते हैं, तो गाड़ी के जो टायर्स हैं, उस पर एक येलो और एक रेड कलर का पॉइंट लगा होना चाहिए, जो ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर रेड और ये येलो, ये जो मार्क है, इसका मतलब है कि कंपनी की तरफ से टायर ओके किए गए हैं, टायर कंपनी से ही लग कर आए हैं, बाहर के नहीं हैं. ये आपको गाड़ी के सभी टायर्स पर मिल जाएंगे निशान, इस तरीके के मार्क देखने को. ये फ्रंट व्हील है ड्राइवर साइड का, और ये बैक व्हील, यहाँ पर भी देखिए रेड और येलो पॉइंट मिल जाता है. बात करता हूँ इस तरफ की, तो यहाँ पर भी आपको को ड्राइवर साइड में दोनों तरफ पीछे के व्हील पर भी और आगे के व्हील पर भी मार्क मिल जाता है.
ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं आगे और वीडियो में आप इसको इलेक्ट्रिकली चेक कर देते हैं कि रूफ़ पर देखते हैं तो रूफ़ पर भी किसी तरह का कोई मार्क निशान डेंट नहीं है। गाड़ी को ओपन करते हैं और यहाँ से हम हेडलैम्प ऑन कर देते हैं, अपनी पार्किंग लाइट जो है पार्किंग लाइट भी ऑन कर देते हैं, तो सभी इंडिकेटर सभी चीज़ें हमारी चेक हो जाएंगी। ये साइड इंडिकेटर वर्किंग है, आगे के दोनों जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो दोनों वर्किंग हैं, जो हेडलाइट आप देख रहे हैं हेडलाइट वर्किंग है राइट। और इसके बाद बात करते हैं बैक साइड प्रोफाइल को ड्राइवर की साइड की, तो हमारा जो फेंडर पर इंडिकेटर है वो भी वर्किंग है, और बैक लाइट देखते हैं तो बैक लाइट भी हमारी इंडिकेटर एज वेल एज ब्रेक लाइट जो टेल लैंप है दोनों वर्किंग कंडीशन में हैं, और साथ में नीचे जो नंबर प्लेट की लाइट है वो भी आप यहाँ देखिए वर्किंग कंडीशन में है। तो ये एक हमारा हो गया बाहर का इंस्पेक्शन। अब चलते हैं गाइस गाड़ी का अंदर का इंस्पेक्शन करते हैं, तो गाड़ी को खोलेंगे और यहाँ पर देखेंगे हम चेक करके। सबसे पहले गाड़ी को ऑन कंडीशन में करते हैं, ये गाड़ी का ऑन कंडीशन है, इग्निशन ऑन हो गया, और यहाँ से हम पहले पावर विंडो चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये नीचे जा रही है वर्किंग है, ऊपर आ रही है प्रॉपर ड्राइवर साइड की विंडो, ये देखिए गाइस वर्किंग है, ये वर्किंग है। क्योंकि ये सिग्मा मॉडल है, बेस मॉडल है गाड़ी का, तो इसमें रियर साइड में हमें नहीं मिलता है देखने को जो पावर विंडो है, ऑल पावर विंडो नहीं मिलती है। यहाँ पर गाइस देखिए ये लॉक अनलॉक सिस्टम है, इसको चेक कर लेते हैं, इसको बैठकर एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं। लॉक अनलॉक सिस्टम ये गाइस वर्किंग है, अनलॉक लॉक अनलॉक, तो कुछ इस तरीके से हमें वो सामने आप देख रहे हैं जो हमारा लीवर है डोर लीवर, उसके साथ में आपको पैनल वर्किंग दिख रहा है कि ये गाड़ी अंदर से ही लॉक अनलॉक हो रही है। हमारे सभी फीचर्स यहाँ पर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें सभी फीचर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर शो कर रहा है, या यहाँ पर शो कर रहा है आपको प्रॉपर। और ये यहाँ से देखने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें गाड़ी का हॉर्न चेक कर लेना है, एक बार वर्किंग है हॉर्न। यहाँ पर हमें एसी वेंट वगैरह सिस्टम सारे चेक कर लेने चाहिए, ब्लोअर चेक कर लेना चाहिए, वर्किंग है ब्लोअर। और गाइस यहाँ से आगे बता दूँ मैं आपको, यहाँ हम पार्किंग लाइट पहले ऑफ कर देते हैं, पार्किंग लाइट मैंने ऑफ कर दी, और मैं जो हमारे एसी वेंट्स है उसके जो स्विचेस है सभी पर देखिए आप इस तरीके से, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये लाइट यहाँ पर दी गई है, हेडलाइट ऑन करने पर यहाँ सभी जगह जो है हमारे इंडिकेटर लाइट आ जाती है। और बात करते हैं नेक्स्ट सीट्स की, हमारी बात करें तो अभी पैक्ड सीट्स हैं हमारी, इंटीरियर की अदर इंटीरियर की बात करें तो कम्प्लीटली ओके कंडीशन में इंटीरियर आपको मिल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं सनवाइज़र मिल जाता है, सनवाइज़र है, ये हमें केबिन लैंप चेक कर लेना चाहिए लाइट को, केबिन जो लैंप है वर्किंग कंडीशन में है, ओके कंडीशन में है। यहाँ से हम बात करते हैं तो इसको अभी ऑफ़ करते हैं, हम यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं हेडलैम्प, और यहाँ पर हम बता दें आपको गाइस कि ये गियर लीवर आपने चेक कर लेना है। सॉकेट आपको यहाँ 12 वॉट का दिया गया है, चार्जिंग सॉकेट ये यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से ये हमारी एक ड्राइविंग साइड सीट की इंस्पेक्शन हो गई, और बात करते हैं कुछ पीछे की प्रोफाइल की अभी। तो गाइस ये ड्राइविंग सीट जो हमारी है, ड्राइविंग सीट की इंस्पेक्शन हमने कर ली, फैब्रिक अच्छा है, सीट ओके है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहाँ से इसको गाड़ी को बंद करते हैं और पीछे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पावर विंडो नहीं दी गई, सिग्मा बेस मॉडल जो है ये गाड़ी, इसमें पावर विंडो नहीं है। आपको यहाँ पर सीट्स देख लेने कि कंफर्टेबल बिल्कुल ओके कंडीशन में सीट है। सामने का जो डोर पैड है वो भी आपने देख लेना है ध्यान से। सो गाइज इस मॉडल में आपको जो बैक सीट के जो हमारे हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं होते, फिक्स होते हैं। अच्छी बात ये कि एटलीस्ट वो इस कंडीशन में है। तो कुछ इस तरीके से गाड़ी को आपने लेने से पहले इंस्पेक्शन कर लेना है। तो लगभग मैंने सभी चीज़ों का गाइज यहाँ पर सभी चीज़ों का मैंने
इंस्पेक्शन किया और आपको बताया कि गाड़ी को किस प्रकार से चेक करना चाहिए, सो दैट हमें ये हमें तसल्ली रहती है कि हाँ, हमने जब गाड़ी ली, गाड़ी को लेने से पहले अच्छे से चेक कर लिया कि उसमें किसी तरह के कोई भी जो हमारा इक्विपमेंट है वो ख़राब नहीं है, वर्किंग कंडीशन में है, कोई डेंट नहीं है गाड़ी के अंदर, ये सभी हमने चेक कर लिया और इंस्पेक्शन करने के बाद हमें ये तसल्ली हो गई, हाँ सभी चीज़ें ठीक से काम कर रही हैं। सो गाइस, लास्टली क्या करते हैं, एक बार हुड चेक कर लेते हैं, यहाँ से इसको ओपन करते हैं और देख लेते हैं बोनट खोलकर कि इंजन की जो वायरिंग वगैरह है वो परफेक्टली किया हुआ है, कोई लूज वायरिंग तो नहीं है। यहाँ से आपको ये भी चेक कर लेना चाहिए, तो इसको ओपन करते हैं और कुछ इस तरीके से आपको इंजन यहाँ पर देखने को मिलता है इग्निस सिग्मा का, और यहाँ पर आपने थोड़ा सा इंस्पेक्शन अच्छे से एक बार देख लेना है कि कहीं कोई लूज वायरिंग, कोई कटी हुई वायरिंग या कोई ऐसा कोई कपलर हटा हुआ हो या कोई ऐसी बात आपको दिखे जो आपको कुछ डिफरेंट फील करवाती है, अलग लगता है, तो वो आपने यहाँ चेक कर लेना अच्छे से, सो दैट अगर यहाँ पर अभी कोई ट्रबल होगा तो गाड़ी आप चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने आज की आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली ये बताया कि गाड़ी लेते समय प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों करना चाहिए, लेना चाहिए, सो दैट आप अपनी फैमिली के लिए जो वैल्यूबल गाड़ी ले रहे हो, आपको बाद में कभी भी ऐसा फील ना हो अगर मैं पहले चेक कर लेता तो एटलीस्ट मैं ये वाली गाड़ी नहीं लेता और कंपनी को मैं रिक्वेस्ट करता कि आप ये गाड़ी बदल दीजिए क्योंकि इसमें डेंट है या इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अगर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्री इंस्पेक्शन डिलीवरी ज़रूर करनी चाहिए। सो गाइस, हमने जो गाड़ी ली है सिग्मा मॉडल, अभी हमारा जो बेस मॉडल है ये इग्निस का, इसको हम इंडिया की नंबर वन मॉडिफाइड गाड़ी आपको बनाकर दिखाएंगे। आप हमारे चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जो भी कुछ बढ़िया मॉडिफिकेशंस करेंगे हम, इकोनॉमिक मॉडिफिकेशंस करेंगे, पॉकेट फ्रेंडली मॉडिफिकेशंस करेंगे, वो सभी आपको दिखाएंगे और बताएंगे आपको कि हमने गाड़ी को अपनी किस तरीके से बनाया है। तो ऐसी कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।